हेलो दोस्तों, रेडियंट उचिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे हेयर ग्रोथ रेमेडी को लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके बालों की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके बाल घने और लंबे हो जाएंगे, बालों का गिरना कम हो जाएगा, बाल मजबूत हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके बाल सिल्की और शाइनी भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक फ्रेश एलोवेरा लीफ को ले लेना है। अगर आपके घर में फ्रेश एलोवेरा का प्लांट है तो आप फ्रेश एलोवेरा लीफ को ले लीजिए, और अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट नहीं है तो आप मार्केट वाला भी जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक एलोवेरा लीफ को ले रही हूँ जिसे आयुर्वेद में प्राकृतिक वरदान कहा जाता है। दोस्तों, बहुत सारी दवाइयों को बनाने में और बहुत सारी साबुन और शैम्पू को बनाने में एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेश लीफ और फ्रेश जेल की बात ही कुछ और होती है दोस्तों। 100% शुद्ध होता है और 100% वर्क करता है। अगर आप ताजी एलोवेरा लीफ को लेते हैं तो फ्रेश लीफ से जो जेल निकलता है वो 100% प्योर होता है, 100% शुद्ध होता है। ये हमारे बालों पर रामबाण की तरह काम करता है। एलोवेरा जेल में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ साथ विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसमें विटामिन B1, B2 और विटामिन C होता है, और साथ ही इसमें विटामिन E भी होता है। इसीलिए एलोवेरा जेल हमारे सेहत के साथ साथ हमारे बालों के लिए और हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो मैंने यहाँ एलोवेरा लीफ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हमें इसे एक मिक्सी जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लेना है। देखिए दोस्तों, हमारा एलोवेरा ग्राइंड हो गया है। अब हमें इसे एक क्लीन बॉल में निकाल लेना है। आपको केवल सप्ताह में 2 बार इस्तेमाल करना है और आपके बालों की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एलोवेरा हमारे बालों के लिए औषधि का काम करता है। तो हम इसमें दूसरी चीज बादाम के तेल को यूज करेंगे दोस्तों। बादाम के तेल से हमारे स्कैल्प की मसाज करने से हमारे स्कैल्प के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं और हमारे बाल लंबे और घने होने लगते हैं। आप चाहें तो इसमें नारियल तेल का भी यूज कर सकते हैं या कैस्टर ऑयल को भी डाल सकते हैं दोस्तों। तो हमें 1 चम्मच बादाम के तेल को ले लेना है दोस्तों। और लास्ट में आधे कटे हुए नींबू के रस को ऐड करना है दोस्तों। दोस्तों, नींबू में विटामिन सी होता है जो हमारे बालों से डंडरफ को दूर करता है। अगर हमारे स्कैल्प में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है तो उसे भी दूर करता है, और साथ ही हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, हमारे बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है, और साथ ही साथ हमारे बालों को काला बनाता है। अब इन सब को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, आप जब भी इसे अपने बालों के जड़ों में लगाएंगे तो आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, आप इसे सप्ताह में कम से कम 2 बार अप्लाई कीजिए अपने बालों के जड़ों में। इससे आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी, आपके बालों का गिरना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, बालों की लंबाई बढ़ेगी, बालों का रूखापन खत्म होगा, 2 मुहे बालों की समस्या दूर होगी और नए बाल उगना स्टार्ट होंगे और गंजेपन की समस्या दूर होगी, और साथ ही साथ उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे बालों की समस्या भी खत्म होगी। अब हमारा रेमेडी बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप नहाने के 2 घंटे पहले इसे अपने बालों के जड़ों में लगाएं और 5 मिनट तक मसाज करें। 5 मिनट मसाज करने के बाद आप इसे 2 घंटे तक अपने बालों में लगे रहने दें, और 2 घंटे के बाद आप इसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धोएं। बालों का झड़ना रुकेगा, बालों की लंबाई बढ़ेगी, बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, और किसी प्रकार का कोई फंगल इन्फेक्शन है, किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसे भी दूर करता है एलोवेरा। बालों की जड़ों में इसे लगाइए, जिस प्रकार से हम तेल को लगाते हैं उसी प्रकार से आपको इसे लगाना है। आप इस रेमेडी को रेगुलर इस्तेमाल करें। ये 100% प्योर रेमेडी है। इससे आपके बालों की सभी प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी, आपके बालों का वॉल्यूम बढ़ेगा, आपके बाल सिल्की और शाइनी हो जाएंगे, और साथ ही साथ 2 मुहे बालों की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल करें और मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल रेडियंट उचिका को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।